हाय ब्यूटीफुल्स, वेलकम टू माय चैनल्स। जैसा कि विंटर चल रहा है और विंटर में लोगों को स्किन की इतनी प्रॉब्लम होती है, किसी की स्किन फट जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो इस सब का सलूशन लेके आज मैं आपके पास आई हूँ। एक ऐसा पैक जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को सुंदर, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट सॉफ्ट बनाएगा। तो उसके लिए चलिए, सबसे पहले हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए उसके लिए रोज़ वाटर, नंबर टू ग्लिसरीन और नंबर थ्री नींबू का रस। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इनकी क्या क्या क्वांटिटी आपको चाहिए। रोज़ वाटर की 4 चम्मच चाहिए आपको, 4 चम्मच। आप छोटे या बड़ा कोई सा भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप उसको किस अमाउंट में बना रहे हैं। तो 4 चम्मच रोज़ वाटर, 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का प्रयोग आप उतना ही करें जितना आपको अच्छा सही लगता है। जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको ज़्यादा ले लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ताकि आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म करता है ग्लिसरीन। और अगर ऑयली है तो आप 1 चम्मच या 1/2 चम्मच मिला लें, और उसको मिलाने के बाद एक बार स्किन पे लगा के देख लें कि आपको ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या कम तो नहीं हो रहा है या ठीक है। जैसे मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसको 1/2 चम्मच या 1 चम्मच लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं 1/2 चम्मच लेती हूँ और फिर अपनी स्किन पे लगा के देखती हूँ। अगर मुझे कम लगता है, मेरी स्किन और मांग रही है, तो मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, पर ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि और ज़्यादा ऑयली हो जाती है स्किन और चिपचिपी हो जाती है। तो ग्लिसरीन आप 1 चम्मच डालें, और अगर क्वांटिटी आपको ज़्यादा बनानी है तो इसको डबल कर लें। जैसे 4 चम्मच की बजाय 8 चम्मच रोज़ वाटर, 2 चम्मच ग्लिसरी ऐसे डाल लें, और नींबू भी 2 चम्मच। अगर 4 चम्मच रोज़ वाटर है तो 2 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच ग्लिसरीन, इन सब का मिक्सर बना लें। और देखिए, ये मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये इसमें मैंने 4 चम्मच रोज़ वाटर डाला है और 2 चम्मच नींबू का रस डाला है और 1 चम्मच ग्लिसरीन डाला है। इस पैक को बनाने के बाद आप डेली रात में अपना पैर हाथ मुंह धोइए और इसे अप्लाई कीजिए ड्राई होने के बाद, और चाहे तो आप इसे पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। फिर आप ये नोटिस कीजिए कि आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो रही है, आपको फ़र्क नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे तुरंत दिख जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी आपकी बॉडी, क्लीन हो जाएगी। और अगर आप इसको समर और विंटर दोनों में लगाना चाहते हैं तो दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन समर में आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि समर में चीज़ें ख़राब हो जाती है और इसमें नींबू का रस है तो ख़राब होने के चांसेस है। तो आप इसे फ्रिज में रखिए और लगाइए समर विंटर दोनों में, और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, सॉफ्ट, जो चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं वो भी हट जाएंगे। लेकिन मैं इसे केवल विंटर में लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे विंटर में ठीक लगता है, क्योंकि स्किन ऑयली है इस वजह से। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा, आप लगा के देखिए, ज़रूर लगा के देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी है, मैं इसे बचपन से ट्राई करती हूँ। तो ऐसे अच्छे अच्छे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लव यू ऑल।